आज एक सवाल है भाई, बहुत मैं तो बदतमीजी वाले कमेंट नहीं है, मैं तो बोलूँगा भाई क्लियर, क्योंकि किसी भी इंसान को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो यार। आपने तो मतलब परमात्मा का ठेका ले लिया है, ठीक है, वो काम भी आप लोग करने लगे डिसाइडेड। कि एक सवाल है कि मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, सही बताओ भाई, बोलेंगे ये बात। जिसकी अच्छी बॉडी है उसको एक सवाल आता है भाई, मेरे को क्या, हर एक को मर मत जाना, बिकॉज मीडिया आजकल क्या है भाई, पीछे लगा हुआ है। जिम वालों के अच्छी बॉडी है, जिम में हार्ट अटैक आ गया, अरे जॉर्ज पीटरसन की डेथ हो गई, अरे शॉन रोडन की डेथ हो गई। गाइस देखो, मरने पे किसी का जोर नहीं है, बस ये है कि हम से कहते ना, हमें वो मिल एक्सक्यूज़ मिल जाता है बॉडी बिल्डर को। मैं फिर कह रहा हूँ गाइस, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट। और एक बात याद रखना, दो चीज़ें इसमें, बॉडी बिल्डिंग आप जिम में आगे करो, इट्स फन, लेकिन कॉम्पिटिशन इज़ डिफरेंट। जो हम कर रहे हैं ये तैयारी ही अलग होती है, ये माइंडसेट ही अलग होता है, ये एक एक्सट्रीम चला जाता है। मैंने से एक्सट्रीम, और बिलीव मी, हम जैसे कहते हैं ना, कुछ एक्सट्रीम कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये जीत की जो भूख होती है लोगों में, हर एक में होती है, हर एक कोई जीत के लिए खेलता है, तो उल्टी सीधी चीज़ें कर लेते हैं। जिनके पास नॉलेज नहीं होती, कुछ नहीं होता, लोग एक्सट्रीम हो जाते हैं बिना नॉलेज के, वो ख़तरनाक है गाइस। तभी मैं कहता हूँ एक ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है, और हर स्पोर्ट में, हर एक एथलीट, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, जब आप एथलीट बन जाते हो ना, तो आप एक्सट्रीम ऑलरेडी हो जाते हो। बिकॉज एक्सट्रीम किस वे में, आपकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 घंटा नहीं रह जाती, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है 4-5 घंटे, आपकी डाइट नॉर्मल नहीं रह जाती, आपकी डाइट हो जाती है एक्सट्रीम, बिकॉज यू वॉन्ट बी द बेस्ट। और जब आप बेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हो ना गाइस, फिर जैसे कहते हैं ना, यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि भाई करना है, बस करना है। और इसी में, इसी जोश जज्बात में कई लोग यू नो दे लूज देयर लाइव्स, नॉट बिकॉज कि ये कोई ड्रग है या कोई वो है, कुछ भी हो जाता है गाइस। अब जैसे मैंने कहा, इस पर हमारा जोर नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग को कभी भी ना बुरा मत कहना, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट। मगर ये टाइम बड़ा ऐसा होता है ना, चलो भाई पहले रिल, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड और मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन, नीचे ऐसे मोड़ दो उसको। हाँ ये अब आया, अच्छा ये बहुत बढ़िया, आने दो ऊपर, आने दो। हाँ लेके जाओ ऊपर पूरा। हाँ 5 6 7 8 9 10 दोनों सिर्फ मसल पे पड़ने दो। हाँ अब ऊपर भी पूरे लेके जाना भाई। हाँ 4 5 6 7 8 पूरा ऊपर, 9 10। अभी भाई बोल चुके, अब मैं बोलूँगा। आज हम पहली बात तो कर रहे हैं आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स, और ज़्यादातर 80% लोगों या 90% लोगों के फेवरेट एक्सरसाइज है बाइसेप एंड ट्राइसेप। और भाई के तो इस टाइम पे चरण सीमा पे रुबाब ज़बरदस्त, बाइसेप तो बहुत ज़बरदस्त है, पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त शेप है, कंडीशनिंग, वो भी इतने बड़े डेल्ट के साथ, बड़ा आर्म्स भी बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि मुझे सुंदर लगता है तो जजेस को भी लगेगा इंशाल्लाह। और रियलिटी हमारे जो तैयारी है ना, वो एक्चुअली में यही है, सेटिस्फाई। किसको सेटिस्फाई करना है? आप लोगों को, आप लोगों को सेटिस्फाई ऐसे कि इस वजह से कि भाई ने शुरू से पब्लिक के साथ में इसलिए जुड़े रहे आप लोगों के साथ में कि भाई मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। पहला मैसेज उनका यही था कि मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। सबसे अच्छी क्वालिटी है तरुण भाई में, वरना बहुत से लोगों से तो ये सुनोगे, अबे तू करेगा तो पता कितने लगे बॉडी में क्या लगा है, बट भाई कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। हकीकत है, और ये मैं भी कह रहा हूँ एज अ ट्रेनर, मैं उनका ट्रेनर होने के, कि भाई कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। 2-3 चीज़ों पे ध्यान दो अपना, अच्छी गाइडनेस पे, अच्छे वर्कआउट पे, अच्छी डाइट्स पे, और अपने आप पे, सबसे पहले अपने आप पे भाई, तो पहली बात। और उसके बाद में एक भाई ने वो रख दिया कि अभी एक सवाल था कि भाई क्या मैं मरना जीना ये वो, देखो भाई ये सब जो है ना ज़मीनी बातें नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में कि कौन कब जाने वाला है कब आने वाला है, ठीक है। तो खुदा बनने की कोशिश मत करो, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ। और आगे के अनुमान मत लगाओ, लगाने हैं तो कुछ और लगा लो, ठीक है। अंदाजे किस चीज़ के लगा रहे हो आप, बीमारियों के या किसी चीज़ के। ऐसे बहुत से आदमी मिल जाएंगे जो लीटरों के हिसाब से शराब पीते हैं, बट उनको भी बहुत से लोग कहते हैं मर जाएंगे, मगर वो पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू सब कुछ चलता है, अच्छा बुरा सब है। और बहुत सा ऐसा भी इंसान होता है बेचारा जिसने जिम की सीढ़ियाँ नहीं देखी, जिम उसे ये नहीं पता जिम होता क्या है, और वो जवानी में चला जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। बट एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको है क्या। देखो कोई भी कॉमन सी बात है, हार्ट अटैक आज की डेट में बहुत कॉमन होता जा रहा है क्योंकि स्ट्रेस बहुत लेते हैं आदमी, ठीक है। उल्टा सीधा खाना और स्ट्रेस, डॉक्टरों का तो यही कहना है, दो रीज़न है। अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं करा है कि पूरी तरह का स्टेरॉयड लेने वाला ही मरेगा, ठीक, ऐसा नहीं है, मेडिसिन उसमें भी स्टेरॉयड्स होते हैं। तो दूसरी बात, कोई भी नॉर्मल इंसान को हार्ट अटैक पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, पड़ गया मर गया कोई बात नहीं। बट अगर कोई जिम जाता है उसको अचानक से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना भाई, अचानक उसको हो जाता है तो वो पूरा का पूरा, अरे ये तो जिम जाता था, अरे ये तो जिम करता था, अरे ये तो ये, अरे भाई उसके और जिम जाने से तो उसकी जान बच सकती है, बल्कि क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो खाना पीना है वो सब अपने आप को, वो मरने के लिए जिम ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो तो अपने आप को अच्छा करने के लिए जिम ज्वाइन करता है, कोई भी इंसान करता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना जो आप लोग कमेंट करते हो उस कमेंट को और लोग भी पढ़ते हैं, वो गलत मैसेज जाता है। ठीक है, ट्राइसेप वर्कआउट चल रहा है और बीच में ये बनाने लगा हूँ मैं बीसी एनर्जी। गाइस बहुत अच्छा टेस्ट और कंसिस्टेंट एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट्स, मैं इसको ड्यूरिंग वर्कआउट्स यूज़ करता हूँ गाइस, बिकॉज मुझे हेल्प मिलती है। मैं पोस्ट वर्कआउट आजकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं सुक्रोलोस है, बट ड्यूरिंग वर्कआउट्स इट्स अमेजिंग, ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है और सस्ता भी बहुत है गाइस, महीना चलता है। लिंक डाल रहा हूँ, इसका ट्राई करो। 3, 10, 4 देख लो साइज, वाह कमाल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुड। 3, 4 नीचे लेके जाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। 2 सेट। ना तो हम गेनिंग फेस में आए ना कटिंग फेस में आए, तो हम आए किस फेस में, हम खाली एक ही फेस में आए थे, कंपटीशन खेलना है और जीतना है। हमारा फेस 1 और नहीं था, ठीक है। होता है एक फेस आता है, एक फेस जाता है, फिर दूसरा भी आता है, मगर उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। लाइक मतलब आप 6 महीने ऑफ पे गेन कर रहे हो, 6 से 7 महीने, 8 महीने, फिर उसके बाद में जब 4 महीने या 6 महीने आप उसको कटिंग फेस में या मस्कुलर करने में लगा देते हो, ठीक है। और जो पीक का टाइम होता है ना, पीक का टाइम जो लास्ट पीक का है, मैंने भाई को बोला था जब स्टार्ट किया था कि मैं आपको जितनी तकलीफ़ जितनी परेशानी आप अब झेल लोगे जितना ज़्यादा आप, और ये हर एथलीट के लिए मेरी एक सजेशन है कि आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं कोई भी, आप अपने आपको डे 1 से इतना स्ट्रॉन्ग लेके चलो, इतना ज़बरदस्त लेके चलो कि लास्ट के जो 10, 15, 20 दिन होते हैं ना, तो उसमें बहुत प्रेशर होता है, अभी ना चाहते हुए भी आ जाता है। इंसान बहुत से नेगेटिव थाट्स आते हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें आती हैं, बहुत से, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सिर्फ जिम में रहता है, अपने फिज़िक को लेके, अपने आप को मिरर के सामने देखते हुए। वो टाइम एक एथलीट का सबसे पॉजिटिव टाइम होता है, हर एक प्रोफेशनल एथलीट का, उसका नहीं जो सिर्फ खेलने वाला, और वो डरता रहता है पूरा दिन, और वो डर बहुत ज़रूरी है। वो कैम फ़ोन देखेगा, आजकल तो फ़ोन उनका बहुत ज़्यादा, तो फ़ोन देखेगा तब भी वो फ़ोन में कंपैरिजन ढूंढता है अपना, बैठा है और फ़ोन देख रहा है, फ़ोन में कंपैरिजन करेगा, फिर पूछेगा, बात करेगा, कोई नेगेटिव बात हो जाएगी, वो इतनी बातों को। तो इसलिए जो लास्ट का टाइम होता है, तो इसलिए अपनी तैयारी पहली प्रॉपर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए कि लास्ट में जो है वो बस खाली ये सब बातें होती है। अगर आपके पास में कोई अच्छे मेंटोर्स है या फिर ट्रेनर्स हैं, तो वो आपको बहुत पॉजिटिव थिंकिंग से लेके चलते हैं, पॉजिटिव ले जाते हैं, और वो 15-20 दिन में वही आपको संभाल सकते हैं। तभी बोलते हैं लास्ट के जो होते हैं ना, प्रेप कोच जो होते हैं, वो डिफरेंट क्यों होते हैं, अलग क्यों होते हैं, वो यही चीज़ें करते हैं, वो मेंटली फिज़िकली उसको हर तरह से स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, पूरी तरह संभाल के लेके चलते हैं। शाबाश, चलो 4 मोर, गुड गुड, ओके 2, 2, 3, 3, ऊपर तक 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, कम ऑन 4, 4 और 9, 9, 10, 10, 2 मोर, लास्ट 2, एक और स्किन जो है ना एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं बलून, बलून मतलब बलून उस टाइप की हो गई है भाई की स्किन। और सही में जब स्टार्टिंग करी थी हमने तो स्किन का ही सबसे बड़ा पंगा था भाई का, क्योंकि भाई की स्किन मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा थिक थी, थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा थिक, इतनी ज़्यादा थिक थी कि क्योंकि एक समय हो गया था एक ही चीज़ सब कुछ खा पी के हेल्दी हो गए थे भाई, मोटे जैसे सभी लोग खा के 5 साल तक लगातार सब कुछ पिला है भाई, तो सब कुछ खाने के बाद में इतनी मोटी स्किन और आज वही बंदा। तो ये भी मैसेज आप ही लोगों के लिए कि आप भी कर सकते हो, और ये मैं बार बार इसलिए बोले जा रहा हूँ क्योंकि रियलिटी में बहुत से लोगों ने करना शुरू भी कर दिया, बहुत सारा प्यार। मैं आपको ये चीज़ एक छोटी सी बताना चाहता हूँ कि एक इंसान की डेडिकेशन देखो आप लोगों की, आप अपनी हर एक चीज़ शेयर करिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से शेयर नहीं किया भाई कि मैं क्या डाइट खाता हूँ, मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया मैं क्या करता हूँ मैं क्या नहीं करता कॉम्पिटिशन, और बताऊँगा भी नहीं, पहले बताऊँ भाई एक प्रोफेशनल हूँ भाई मैं, भाई की तरह नहीं। और दूसरी बात ये कि हर किसी का एक ट्रेनर भी हूँ, तो दूसरी बात बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बट मैं ये इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इन्होंने, मैं तो सोच रहा था खाली बस वीडियोस बनाएंगे अपना बताएंगे वीडियो कर, बट इन्होंने बिल्कुल मेरा दिमाग अलग बिल्कुल कर दिया इस चीज़ में कि हर एक चीज़ को बताना, डाइट शेयर करना, अपना वर्कआउट को शेयर करना कि किस तरीके से मैं किस फेस में आ रहा हूँ, कैसे मैं मसल्स डेवलप कर रहा हूँ हर एक चीज़ के, ताकि आप लोग सीख जाओ। कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि लोग, हर इंसान के पास में इतना पैसा नहीं होता, हकीकत तो यही है, हर लड़के के पास में नहीं, मगर हाँ सोच सबकी है कि बॉडी बिल्डिंग, तो बहुत से लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज़ को देख के, तो मुझे भी मालूम है। और आप सभी लोग चाहते हो भाई कॉम्पिटिशन जीत जाए, उसके बाद भी शिक्षा देंगे ये कि लीन गेन कैसे करते हैं बढ़िया।